स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं बनाने वाली हूँ दही पूरी, बिल्कुल ठेले वालों की स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। तो आपकी जितनी भी क्रेविंग है ना बाहर का खाने खाने की, जो लॉकडाउन में आपको हो रही है, अब सारी भूल जाएंगे इसके बाद में। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बस आप ही के लिए है। तो वीडियो अगर आपको देखने के बाद में पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है चटनी। तो हम बना रहे हैं अगर चार, तो चटनी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक टोमेटो लिया है, एक लेमन लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा पुदीने लिए हैं जो एकदम फ्रेश है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और खूब सारा हरा धनिया। अभी हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो टोमेटो और हरी मिर्च को मैंने काट के डाल दिया है और इसमें अब हम डाल देंगे एक लेमन। तो उसे छन्नी से छान के डालेंगे ताकि इसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो अच्छे से सेपरेट हो जाएं। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारा धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीने को अच्छे से धो लिया था मैंने। और उसके बाद में अभी हम डाल देंगे इसमें काला नमक, उसके बाद में नॉर्मल नमक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 छोटी चम्मच। थोड़े से आइस क्यूब डाल के ढक्कन बंद करके इसे हमें अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। तब तक हम यहाँ पे बना लेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी के लिए मैंने इतनी इमली ली है, ये 1 कप के बराबर है। इसमें 6 से 7 लोगों के लिए सफिशिएंट चटनी बन जाती है। अभी मैंने यहाँ पे 2 कप पानी बॉईल कर लिया है। इसमें इमली को बॉईल कर लेंगे हम 10 मिनट के लिए। बॉईल हो जाने के बाद में इसे ठंडा करके इसे हम स्ट्रेनर से छान लेंगे। इस तरीके से हम इसके पल्प को बिल्कुल अलग कर लेंगे और रेसे को अलग कर लेंगे। इसे अभी हमें दोबारा और पकाना है। तो अगेन हम एक बर्तन लेंगे और उसमें इमली के पल्प को डाल देंगे और उसके बाद में इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये काफी गाढ़ी हो जाती है बाद में। तो इसमें अभी भी आप पानी ऐड कर सकते हैं, बन जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दिया है इसमें। इसको अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे और उसके बाद में हम डाल देंगे गुड़। तो गुड़ आप अपनी पसंद अनुसार भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये काफी खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती है। और इसमें 1 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद में इसे हमें अच्छे से पका लेना है। और पकाने के बाद में अभी जिस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए ना, तब तक इसे हमें पका लेना है। तो मैंने टेस्ट करके देखा, ये मुझे काफी खट्टी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा गुड़ उसमें और ऐड कर दिया है। अब दही पूरी बना रहे हैं तो दही तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। तो मैंने यहाँ पे दही लिया है, ठीक एकदम फ्रेश दही है। इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाल दी है। थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में इसमें डाल देंगे नमक। तो 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया। अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दही अच्छे से गाढ़ा हो तभी इसकी अच्छी लगती है और फ्रेश हो, बहुत खट्टा नहीं हो। यहाँ पे फिलिंग के लिए मैंने 1 टोमेटो काट के लिया है, 1 प्याज काट के लिया है और 1 बॉयल्ड आलू को मैंने स्लाइस में काट लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्प्राउटेड दाल ली है, आप चना दाल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे सेव और जो बूंदी ली है। यहाँ पे हरी चटनी और मीठी चटनी हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। अभी करते हैं हम दही पूरी की तैयारी। तो यहाँ पे जो पानी पूरी रहती है वो मार्केट से ही मैं होलसेल से पैकेट लाती हूँ हमारे लिए। तो इस तरीके से मैं इसे पहले होल्ड कर लूंगी और इसे प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से सभी को हमें रख लेना है। बहुत ही क्रिस्पी होती है और काफी दिनों तक ये अच्छे से स्टोर कर सकते हैं आप फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें पोटैटो के स्लाइसेस। तो स्टफिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हैं पर मार्केट में वो पोटैटो जरूर से यूज करते हैं। उसके बाद में डाल देंगे थोड़ी सी स्प्राउटेड दाल जिससे कि अच्छे से हेल्दी भी हो जाए, थोड़ी सी आपको प्रोटीन भी मिले। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, कुछ तो हेल्दी पोर्शन जरूर जाना चाहिए। थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ अनियन और उसके बाद में डाल देंगे हम इसमें टोमेटो। अभी हमें डालनी है चटनी। तो थोड़ी थोड़ी चटनी हम सभी में डाल देंगे, आपको जितना तीखा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इन्हें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी डाल देंगे इसमें खट्टी मीठी चटनी। नेक्स्ट अब हम डाल रहे हैं इसमें दही। तो हम अच्छे से इसको फिल कर लेंगे दही से, सारी पूरियों में अच्छे से दही को हमें भर देना है। अगेन हम चटनियों को रिपीट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेव और बूंदी है इसको हम डाल देंगे। तो आपके पास में अगर सेव या बूंदी नहीं हो तो घर में जो भी नमकीन हो उससे आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। तो दही पूरी आपकी बन के तैयार है बिल्कुल ठेले वालों की जैसी। यकीन माने दोबारा आपको भी ठेले पे खाएंगे भी नहीं, इतनी टेस्टी बनती है घर पे ये। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।